हेलो जी, वेलकम बैक हो गया तुम सबका एन अदर ब्लॉग के अंदर। और आज है फ्राइडे, फ्राइडे भी और टाइम हो रहा कम से कम 3:30 से 4 का। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ। सामने आप हाल देख सकते हैं, राजशाही हाल है और हाल बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और ये हाल का व्यू है सारा, दिखाता हूँ आपको अंदर का हाल का सारा सेटअप। और हमने खाने का सामान वगैरह पहुँचा दिया सारा, वो सामने देखो वाला सामान है सारा। और ये है हॉल अंदर का। अभी ज़रा लाइट्स ऑफ है इसलिए आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में व्यू। तो आपको मैंने दिखाया था कि जानवर वगैरह कट गया और ना गोश वगैरह हमने हॉल में पहुँचा दिया, सारा आपको दिखा दिया। अब मैं हो गया हूँ फ्री, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और बहुत गर्मी है आप, कसम से इतना पसीना आ रहा है, देख सकते हो आप वीडियो में भी। और ये देखो घोड़ा खड़ा है। ओ भाई जान, ठीक हो? चैनल ज़रा सब्सक्राइब कर देना चाहिए, और आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करो यार चैनल, आपकी मेहरबानी होगी। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। ये दूसरा इसका भाई भी खड़ा है, इसको भी कहते हैं भाई जान, चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? चार अच्छा भला खड़ा था, तो एक काम जी में आ गया, अब हम चलते हैं, काम है एक। काम में चलते हैं, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। A few moments later. यार मैं फारिग होके आ गया था और मैं बैठा हूँ हॉल में। इस टाइम मेरे दोस्त भी बैठे हैं सामने। भाई जान, आप अपनी शादी में क्या क्या बनवाओगे खाने में, ज़रा हमें भी थोड़ा बता दो, हम भी इसके मुताबिक बना लेते हैं। बड़ा गोश्त बनवाएंगे और चावल होंगे, कबाब होंगे, कस्टर होएगा। अच्छा, अल्लाह अपने ब्याह आते इंशाल्लाह मच्छी खवादा। अच्छा, गोश्त मोटा, खीर, कस्टर। शादी में शॉप पर जेब में भर के घर में लाने वाले, वो भी कह रहे हैं बड़ा गोश्त कस्टर्ड। तो आप समझ सकते हैं भाई जान, कैसे कैसे लोग दुनिया में पैदा हो गए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? शक्ल देखो, शक्ल देख रहे हैं। लकदी आपने देखा यार, वो मुझे खल्ले दे रहा है और लांग दे रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ हॉल का व्यू। लाइट वगैरह जल चुकी है, दिखाते हैं आपको हॉल। राजशाही हाल है, पीछे आप उसका नाम देख सकते हैं, ये है सुल्तान नगर। Approximately 10 hours later. यार फाइनली रात हो गई है, फंक्शन स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं लाइट वगैरह जल गई है। आगे तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं शर्म आ रही आगे रखते हुए। चलते हैं खाने की तरफ, आपको दिखाते हैं कबाब वगैरह, समझ रहे हो? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। The next day. यार इवेंट से फारिग हो गए थे, वो मिलाद वगैरह थी, आपको मैंने दिखाया हाल में सब कुछ हुआ था। और मिलाद उस सूरत में थी कि मामू वगैरह जा रहे हैं उमरे पे। अब मैं आया हूँ मुल्तान के एयरपोर्ट पे, आप पीछे एयरपोर्ट का व्यू देख सकते हैं, सारा एयरपोर्ट है मुल्तान का, बहुत प्यारा व्यू है सामने देखें आप। तो उनको सी ऑफ करने के लिए आए हुए हम, अभी तक पहुँचे नहीं, वैसे फ्लाइट है 4 बजे की। फिर मैंने 2-3 एयर होस्टल देखी, मेरा उन पर दिल आ गया। चलक बहुत प्यारी है माशाल्लाह एयर होस्टल्स, जहाज़ में जाएगी तो वो करेगी। और उनकी तरफ मैं कैमरा कर नहीं सकता क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसकी तरफ उनको फॉलो करना पड़ेगा। हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं, फ्लाइट निकलने वाली और मामू वगैरह पहुँचे नहीं है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मुश्किल में खड़ा आपका भाई, चैनल सब्सक्राइब करो। अभी मेरी पायलट से बात हुई है, वो कहता है आप भी चलो थाईलैंड घुमाते हैं आपको जहाज़ वगैरह एयर होस्टल्स के साथ। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा तो सब्सक्राइबर और यूट्यूबर बन के ही जाऊँगा एक दफ़ा। मैंने उनको बता दिया, अब आपका फ़र्ज बनता है कि मुझे सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। मामू वगैरह पहुँच गए, मुझे मामू पहुँच गए और अभी तो फ्लाइट का टाइम पड़ा है इसलिए सी ऑफ करने का टाइम है। 20 मिनट्स लेटर यार टाइम हो गया अंदर जाने का और मामू वगैरह जा रहे हैं। A few moments later. यार एयरपोर्ट से बाहर आ गए और ना बस मामू वगैरह तो चले गए, बोर्डिंग पासिंग पास कर लिया उन्होंने, और तो कुछ सामान रह गया था उनका भूल गए थे, तो उसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा सामान देने। कज़न देने गया हुआ है और मैं बाहर खड़ा हूँ एयरपोर्ट के सामने, रश देख सकते हैं आप।
एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं यहीं से व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दुआ करना आपका भाई भी उम्र में जाएगा एक दिन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कमेंट में ज़रूर इंशाल्लाह लिखना ताकि आपकी दुआ कबूल हो, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।